यूँ तो महाराष्ट्र सरकार आदिवासी छात्रों और नागरिकों के लिए हजारों करोड़ों रुपए की सब्सिडी प्रदान करती है, मगर वास्तविकता ये है कि आश्रम स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र अपनी जान हथेली पर रखकर शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। पीने का शुद्ध पानी, रहने के लिए अच्छे कमरे और साफ सुथरे टॉयलेट बाथरूम इनका बुनियादी अधिकार है, मगर इनके भाग्य में है दम घुटने वाले कमरे, गंदा पानी, बदबूदार गद्दे और खेत खलियानों में शौच को जाना। क्या ये लोग इंसान नहीं? इनके नाम पर करोड़ों के अनुदान लेने वाले आश्रम स्कूल के चालक और मालक ढेरों की दौलत लूट रहे हैं और ये बेचारे असुविधाओं का जीवन जीने के लिए विवश हैं। उनको रहना फ्री है, कपड़े लत्ते, पाठ्य पुस्तक, उनको ड्रेस है दो, खाना है, वर्षा तुम दोनों एड्रेस है। ये चित्र है महाराष्ट्र के जलगांव जिले में स्थित चांदसर की आश्रम स्कूल का, और अमूमन सभी आश्रम स्कूलों और आदिवासी हॉस्टल्स की ऐसी ही दयनीय अवस्था है। लेकिन बहानेबाजी तो देखिए इन लोगों की, अपने उत्तरदायित्व से भी भागते रहते हैं। आइए अब आपको बताते हैं जिले के यावल स्थित आदिवासी छात्रावास की दुरावस्था। छात्रों की क्षमता वाले इस हॉस्टल में भेड़ बकरियों की तरह 100 से अधिक छात्र ठूसे जाते हैं। इमारत इतनी जर्जर हो चुकी है कि किसी भी समय धराशायी होकर छात्रों के प्राण भी जा सकते हैं। निवासी छात्र कई बार इस दुर्दशा की शिकायतें कर चुके हैं, मगर छात्रावास प्रशासन और आदिवासी विकास विभाग के कान पर जूं तक नहीं रेंगती, क्योंकि ये छात्र बहुत ही डरे हुए होते हैं और अत्यधिक गरीब घर के होने से प्रशासन के खिलाफ बोलने में भी पूरी तरह घबराते हैं। ये सरकार से अपने अधिकार भी मांगते हैं तो देखिए कितनी भवनिकता से, सहम कर और इस तरह गिड़गिड़ाकर कि आंख में आंसू आ जाएं। मला सरकारी वसतिगृह उपलब्ध करून द्यावे, हात जोडून सर्वांना विनंती, फक्त इथं येऊन हे करून ते करून असे आश्वासन तुम्ही पुढाऱ्यांसारखे। अंत में सवाल ये उठता है कि इन आदिवासी छात्रों के लिए कई हजार करोड़ रुपया सरकार हर साल संबंधितों को भिजवाती है, फिर बीच में यह पैसा कहां गायब हो जाता है? जरूरतमंदों तक क्यों नहीं पहुंचते ये सरकारी अनुदान और योजनाएं? अगर सिर्फ इसी आसान से प्रश्न का उत्तर मिल जाए तो आदिवासी समाज का समुचित विकास हो जाए। लगातार आ रही गोपनीय शिकायतों के चलते आज इंडिया अब तक आ पहुंचा है जलगांव जिले के यावल तालुका के अंदर, जहां पे मौजूद है ये आदिवासी हॉस्टल, जिसके बारे में कई तरह की शिकायतें प्राप्त हुई है। और यहां के स्टूडेंट्स का कहना है कि जो सुविधा है वो काफ़ी आपत्तिजनक है, जो बिल्डिंग है काफ़ी जर्जर हो चुकी है, किसी भी समय ये बिल्डिंग गिर सकती है। अब आखिर सवाल ये उठता है कि जो हजारों करोड़ रुपए का जो अनुदान आता है वो आखिर जाता कहाँ है? 30,000 रुपये महीने से ये बिल्डिंग किराए से दी गई है, तो सवाल ये भी उठता है सरकार और इस बिल्डिंग के मालिक के बीच में कोई संगनमत तो नहीं? आखिर आदिवासी के बच्चे जाए तो कहाँ जाए? अगर कोई यहाँ पे इमारत की दुर्घटना होती है, अगर बच्चे उसमें मरते हैं, तो इसका जिम्मेदार कौन? कैमरामैन चेतन के साथ मैं आयाज मोहसिन, इंडिया अब तक के लिए।